नगर पंचायत जवाली के वार्ड नंबर 2 में हजारों लीटर पीने का पानी नालियों में व्यर्थ बह रहा है और लोग तरस रहे पीने के पानी की किल्लत की छपी खबर का असर यह हुआ कि जल शक्ति विभाग तुरंत हरकत में आया। आपको बता दें कि नगर पंचायत ज्वाली के वार्ड नंबर 2 में पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते लोगों ने मीडिया के माध्यम से जल शक्ति विभाग के खिलाफ रोष प्रकट कर चेतावनी दी थी कि 2 दिनों के अंदर पीने के पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो जल शक्ति विभाग के कार्यालय में जाकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। खबर प्रकाशित होते ही जल शक्ति विभाग के एसडीओ पवन कौंडल ने जेई को पाइप ठीक करने के निर्देश दिए कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए जिससे कि लोगों को पीने का पानी सुचारू रूप से मिल सके, जिस पर विभाग के जेई सहित कर्मचारियों ने 24 घंटे के अंदर ही लोगों की समस्या को देखते हुए पिछले 10 दिनों से टूटी हुई पाइप को ठीक कर पीने के पानी की किल्लत को बहाल कर दिया, जिससे लोगों ने अब राहत की सांस ली है। स्थानीय लोगों ज्ञान सिंह, दिलबाग सिंह, बग्गू, राजीव सिंह, छज्जू राम, सुभाष चंद, विजय सिंह, अजय कुमार, राजीव सिंह, पवन गुलेरिया, अशोक गुलेरिया, राजेंद्र सिंह, प्रेम सिंह ने इस समस्या को उठाने के लिए मीडिया का धन्यवाद किया है। वहीं उन्होंने पीने के पानी की समस्या का हल करने के लिए जल शक्ति विभाग के एक्सियन अजय कुमार शर्मा व एसडीओ पवन कौंडल और समस्त जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों का धन्यवाद किया है। वहीं इस संबंध में जल शक्ति विभाग के एसडीओ पवन कौंडल ने कहा कि नगर पंचायत ज्वाली के वार्ड नंबर 2 में जो लोगों को पीने के पानी की समस्या पिछले कई दिनों से चल रही थी, जिसे आज विभाग के कर्मचारियों ने 24 घंटे के अंदर ही ठीक कर दिया है और अब लोगों को सुचारू रूप से पीने का पानी मिल रहा है। ऐसे है, काम चल रहा था, पाइपें टूट गई तो 10 दिन से पानी नहीं आ रहा था। मीडिया के पास फिर पहुंचना पड़ा क्योंकि कोई भी देखभाल नहीं कर रहा था इसकी पे, क्या हुआ है क्या नहीं, कोई नहीं आ रहा था। तो आज इसका ये जो हल है ये हो रहा है, आज लगता है थोड़े एक आध घंटे के बाद पानी चालू हो जाएगा। तो सब डिपार्टमेंट का जिन्होंने भी इस पर एक्शन किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 10 दिन से हमारी जो पानी की सप्लाई थी 10 दिन से बंद थी, जो PW डिपार्टमेंट का काम जहाँ चला हुआ है तो JCB ने हमारी नलके की सप्लाई तो 2-3 पाइपें तोड़ी हुई थी, तो ये 10 दिन से बंद थी। आज डिपार्टमेंट ने मीडिया की तरफ से, मैं पहले सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट को, जल शक्ति विभाग को, 10 दिन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था, उन्होंने 10 मिनट में जगा दिया और ये काम जो है कल हमारे मीडिया ने इसको हाईलाइट किया और आज ये हमारा पानी का कनेक्शन जो है इसको ठीक कर रहे हैं और पानी आ जाएगा। इसके लिए हम जल विभाग का धन्यवाद करते हैं और इनका कर्मचारियों को धन्यवाद करते हैं और मीडिया का, सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करते हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ज्वाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट।